चेक हो जाता है, वो अपने आप में बहुत अच्छा चुनाव हो जाएगा, हो जाता है वहां पे, और वहां पे लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि क्या रहेगा, किस तरीके का मुकाबला रहेगा। मैं बात करता हूं रायपुर पश्चिम की, संक्षिप्त संक्षिप्त में ही मैं अपनी बात कहूंगा। मैं रायपुर, हेलो 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 आकांक्षा जी, मैं रायपुर पश्चिम की बात करूंगा। तो वहां पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी और विकास उपाध्याय जी नेट टू नेट फाइट बताई जा रही है, मतलब आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। रायपुर उत्तर की बात मैं करता हूं आकांक्षा जी, तो मैं कुलदीप जुनेजा जी का उल्लेख कर चुका हूं, वो दो बार के कांग्रेस के विधायक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पुरंदर मिश्रा जी को उतारा है, उत्तर समाज में उनकी अच्छी शख्सियत है। फिर कांग्रेस के एक जो है बड़ा चेहरा, मतलब यही आज हम व्हाइट हाउस के सामने जो है ये बहस कर रहे हैं, तो इस व्हाइट हाउस से जिसका गहरा नाता है अजीत कुकरेजा, जो वहां पे पार्षद भी है कांग्रेस के, वो मेयर इन काउंसिल के सदस्य हैं, टिकट नहीं मिलने पर वो बागी होकर चुनावी मैदान पर कूद पड़े। फिर मतलब ये है कि कांग्रेस से वो निष्कासित भी हो चुके हैं। फिर वो वहां पे जो है सावित्री जगत जहां तक के एक नाम है भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मैं अगर नहीं मैं ठीक से समझ पा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी से वो बागी होकर वो निर्दलीय मैदान पे उतर गई है, इस अंदेशे में कि उत्तर समाज के वोट को प्रभावित कर सकती है। तो मतलब ये चार चेहरे हैं। अब जो बची एक सीट रायपुर ग्रामीण की बात, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वहां पे जो सत्यनारायण शर्मा जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, लगातार विधायक रहे, बहुत अनुभवी नेता, मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है, उनके पुत्र जो है पंकज शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में है, और उनके सामने जो है मोतीलाल साहू जी, जो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है, वो दो चुनाव पूर्व में लड़ चुके हैं, एक बार महासमुंद से चुनाव लड़े और पिछली बार पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैदान पे थे, वो वहां पर जो है पंकज शर्मा जी के सामने है। तो रायपुर का जो आपका सवाल था, तो चारों तरफ मैं अगर कहीं देख पा रहा हूं तो इस बार का चुनाव निश्चित रूप से आकांक्षा जी काफी रोचक है। तो चुनाव रोचक है, और अनिरुद्ध जी आपसे मुद्दों को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं राजनीतिक दलों के समक्ष आना चाहूंगी। राजनीतिक दलों के जो अपने मुद्दे हैं, अपने जो विचार हैं और वो जनता के लिए लेकर के आ रही है, उन मुद्दों को हम समझेंगे। और आधार, लक्ष्मी जी सबसे पहले तो आप ही से समझ लेते हैं, चलिए विपक्ष की भूमिका में है इस वक्त आप छत्तीसगढ़ में। अब विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है सत्ता में आने की चाह होगी, इस चाह के लिए जो आधार आपने बनाया है वो आधार क्या है जीत का? मैं साधना न्यूज को धन्यवाद देती हूँ, और दिवाली का त्योहार चल रहा है, इसमें सियासी गर्मी है, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ। ये दिवाली का त्योहार लक्ष्मी और धन से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है वो पूरी तरह से इस छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में परिभाषित किया है, और इसको आज छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो देख रही है और समझ रही है। इन मुद्दों के साथ में हम छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास की बात करते हैं, जिनमें हम महिलाओं के लिए बड़ी योजना लेके आए हैं, और पूर्व में भी जब हमारी सरकार रही है तो महिलाओं के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए, और वो काम परिदृश्य में नजर भी आया। चाहे रेडी टू ईट योजना की बात करें, सारे प्रदेश की महिला समूहों को वो काम दिया गया, उसी तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमने रेडी टू ईट योजना जो है उसमें 22,000 महिला बहनें जो डायरेक्ट जुड़ी थी, ऐसे हमारे महिला समूह के माध्यम से काम को हमने उबलाइज किया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही वो महिला समूह से काम को छीन कर वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिए। ये हमारी बहनें जो है उनसे इन्होंने गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेके शराबबंदी का वादा किया। वैसे तो इन्होंने 36 वादे किए जन घोषणा पत्र में, लेकिन कोई भी वादा पूरी तरह से पूरा नहीं किया, बहनों को ठगने का काम किया। उसी तरह से हर वर्ग को छत्तीसगढ़ में ये कांग्रेस की सरकार 5 साल में पूरी तरह से ठग के भ्रष्टाचार की वो ढकेल दिया। बिना पैसे के यहाँ एक भी काम जो है वो नहीं हुआ। मंत्री संतरी लोगों के ऊपर, इनके विधायक के ऊपर लगातार छापेमार कार्रवाई हुई, और उसमें मुख्यमंत्री जी तक महादेव सट्टा ऐप में डायरेक्ट उनका नाम
चार्ज हुआ, तो ऐसी भ्रष्टाचार से परिपूर्ण जो सरकार है ये छत्तीसगढ़ की जनता नहीं चाहती। हमने वादा किया किसानों के धान को खरीदने का कि 2100 रुपए में हम सॉरी 21 क्विंटल धान 2100 रुपए में खरीदेंगे, और निश्चित रूप से हमने मोदी की गारंटी दी है। और मोदी जी आज जिस प्रकार से इस देश को गारंटी के साथ, चाहे हम आर्थिक नियोजन की बात करें, अर्थव्यवस्था में हम आज पांचवें स्थान पे आ चुके हैं, आज हमारे विकास की बात करें, गांव गरीब और किसान के जो क्या सत्ता में आते ही हम बात ही नहीं करते। इस देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन उन 60 साल में एक शौचालय तक महिला बहनों के लिए नहीं दे पाए। आज हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख मुद्दा है, युवाओं की तरफ अगर देखें तो युवाओं को इन्होंने पीएससी घोटाले के माध्यम से छला, उनके जो जीवन है उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। एक युवा सपने देखता है और वो उन सपना को पूरा करने के लिए पूरा जीवन संघर्ष करता है, और युवा में ही संघर्ष करता है, और उन्हें एक सपना होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ पूरी तरह से छल किया। यहाँ के जो विधायक मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे एक घर से एक एक नहीं दो दो तीन तीन बच्चे सेलेक्ट हुए। इससे जाहिर होता है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है ठगने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। दूसरी तरफ इन्होंने हमर बेटी हमर मान योजना तो बनाया, इन्होंने जनघोषणा पत्र में अपने कहा था कि ये हर थाने में महिला सेल की स्थापना करेंगे, लेकिन आज ये छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है पूरी तरह महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाओं में आगे। मैं आपके समक्ष आऊंगी, सिलसिला चलेगा चूंकि मुद्दों पर बात हो रही है और मोदी की गारंटी का जिक्र हो चुका है। वंदना जी, भरोसे की बात आप लोग करते हैं, भरोसा कायम रहेगा ये भी नारा लगातार आप लोगों का है। बहरहाल समझना चाहेंगे आधार आप लोगों का क्या होगा जीत का। सबसे पहले आप सभी को दीपावली एवं गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आकांक्षा जी, कल हम महिलाओं के लिए बहुत ही खास दिन रहा। दीपावली की पूजा के समय लक्ष्मी माता की जब पूजा करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं को आप देखेंगे कि 15,000 प्रति वर्ष मिलेगा। ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हम देखते हैं महंगाई की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यदि महंगाई से त्रस्त है तो महिलाएं त्रस्त हैं। और रही बात जैसे कि मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगी आकांक्षा जी कि 2014 के पहले जब कोई प्रधानमंत्री के भाषण होता था या उसके वक्तव्य को लोग बहुत गंभीरता से सुनते थे और बहुत गंभीरता से लेते थे, लेकिन 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पहले लोगों के मन में ये रहता था ये प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने कहा मतलब वो काम हो जाएगा, मतलब उसको पत्थर के लकीर समझते थे। लेकिन 2014 के बाद जब भी नरेंद्र मोदी जी बात किए सिर्फ जुमलेबाजी की बात किए और सिर्फ झूठ बोले। रही बात छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ में 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार है, अभी डॉक्टर रमन सिंह की गारंटी की बात कोई बात नहीं करते, सिर्फ बात करते थे मोदी की गारंटी की बात। तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता के अस्तित्व खत्म हो गए हैं? सिर्फ हम मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे 2014 में वही मोदी जी थे जो 100 दिन में महिलाओं को वादा किए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई बेलगाम है, आप जाकर के देखिए किचन में संकट छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता महंगाई के मां नहीं बोल पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे भैया? आप लोग महंगाई के नाम से वोट मांगे थे ना, अब महंगाई के नाम पर आपको बोलते ही आप लोगों की बंद हो गई। पहले यही महंगाई डायन लगती थी, अब क्या ये महंगाई इन लोगों की मौसी मां बन गई है? दूसरी बात, 2014 में मोदी जी ने गारंटी दिया था कि हम काला धन लाएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख देंगे, कहां गया 15 लाख? बल्कि विपरीत आप देखेंगे कि जो महिलाएं पैसा रखी
उनके बैंक खातों से पैसा कट रहा है, 15 लाख की बात तो दूर है। ये वही मोदी जी है जिन्होंने 2014 में वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। आज देश की स्थिति में क्या है, देश में देखेंगे बेरोजगार युवाएं आत्महत्याएं कर रही है, आज बेरोजगार युवाओं की कोई सुध लेने वाले नहीं है। ये वही मोदी जी है जिन्होंने 2014 में गारंटी दिया था कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगुनी होगी। जहां डबल इंजन की सरकार है वहां किसानों की स्थिति क्या है, लक्ष्मी जी बता दे मेरे को। यहां समर्थन मूल्य के बारे में बात करते हैं, यहां किसानों के बारे में श्रेय लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पे समर्थन मूल्य कितना मिल रहा है मेरे को बता दे। और रही बात इन लोग भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इन लोग झूठ बोलते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, क्योंकि रुपये से तो भरोसा है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर यहां पर जनता को भरोसा है। यहां पर मुद्दों पर बात नहीं कर सकते और न ही मुद्दों पर सवाल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार का इन लोग झूठा आरोप लगाते हैं, अडानी के बारे में बात नहीं करते, क्यों बात नहीं करते? आप लोग हमारे जो खून पसीने की कमाई आप अडानी पर बट्टा देकर के उसको छूट दे देते हैं, लेकिन हम किसानों का अगर यहाँ पर ऋण माफ करते तो आप लोगों को तकलीफ हो जाता है। 15 साल आपकी सरकार थी, आप लोगों ने कभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज के बारे में बात किए नहीं किए? आप लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से चीड़ आती थी, इसीलिए आप लोग कभी छत्तीसगढ़ की संस्कृति से बात नहीं किए। लेकिन पिछले 5 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कांग्रेस के सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज और छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार को आगे बढ़ाने का काम किया। आज इन लोग मजबूर है। एक मिनट आकांक्षा जी, आज मुद्दे काफी हैं और चर्चा का पैनल भी बहुत है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र किया है, तो अब समझ लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो अपने मुद्दे हैं वो किस प्रकार से है। और हमारे साथ ही सहयोगी हेमंत जी है। हेमंत जी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं, वहां के मुद्दों को भी समझते हैं, किसान की बात हो रही है, धान खरीदी का जिक्र हो रहा है, ग्रामीणों का जो अपना मुद्दा है, अपना जो उनके अपने जो विचार होते हैं चुनाव को लेकर के, आपके नजरिए से समझना चाहेंगे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बात ग्रामीण क्षेत्र की करें मैडम, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से ये जानना चाहूंगा कि धरसिया विधानसभा क्षेत्र में एक राजधानी से लगा हुआ बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है जो 23 साल से वहां पे लगा हुआ है। वहां के ग्रामीण क्षेत्र आज भी जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं और मैं देख रहा हूं यहां पे कि न प्रदूषण का कोई मुद्दा है, न वहां के क्षेत्र की जो जनता की जो मांग है उसका कोई मुद्दा है। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी का लगातार मुद्दा उठाए, चुनाव उसके जो घोषणा पत्र में कोई नाम ही नहीं है शराबबंदी का, ना ही कांग्रेस की शराबबंदी में किसी नाम है। तो जनता से कोई नहीं पूछ रहे हैं, बस एक दिन आज कोई 100 रुपये बढ़ा दिए, कल कोई 200 रुपये बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनता दीपावली में अपना अपने काम में मस्त है। लेकिन जनता के बारे में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी सवाल उठ रहे हैं कि जनहित के जो मुद्दे हैं उन जनहित के मुद्दों पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में धान और किसान के अलावा शराबबंदी का जो मुद्दा है वो सर्वोपरि रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने इन मुद्दों को भुनाने की जरूर कोशिश की है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लाया, हालांकि इम्प्लीमेंट अभी तक से नहीं हो पाया है। भाजपा इस मुद्दे को उठाती रही लेकिन अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी नहीं हुआ। अब संक्षिप्त संक्षिप्त में इन सभी मुद्दों पर मैं जवाब लूंगी। लक्ष्मी जी, सबसे पहले क्योंकि आपने मुद्दा उठाया, बातें हुई, आरोप लगे, लेकिन तमाम चर्चा हुई, घोषणा पत्र में ये बातें नहीं आई, उल्लेख ही नहीं हुआ। देखिए आकांक्षा जी, कि घोषणा पत्र में 2018 में कांग्रेस ने पूर्ण शराबबंदी का वादा आम जनता से किया था। हम अगर हमारी सरकार रही थी, जब हम 2013 के बाद की स्थिति में लगातार इस प्रदेश में शराब दुकान बंद करने की ओर कदम उठाया था और 400 दुकान बंद भी किया था, हमारी स्पष्ट मंशा थी कि हम जो जन जागरण है नशा, ये आज कह रहे हैं कि नशा बंदी की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने भारत माता वाहिनी के माध्यम से, नशा उन्मूलन केंद्र के माध्यम से हर ब्लॉकों में
गुलाबी गैंग के माध्यम से ऐसे अनेक जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से नशा उन्मूलन की ओर हम बढ़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है आम जनता को ठग कर, खासकर महिला बहनों को ठग कर वोट लिया और ये लबरा भूपेश बघेल की सरकार बनी, जिसको आज छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है। अभी वंदना जी बात कर रही थी कि मोदी जी अगर जुमला करते वंदना जी तो इस देश की जनता इतना बड़ा मैंडेट नहीं कर देती उनको। मैं चैलेंज करना चाहती हूँ आपको इस मंच से कि आप जिस महंगाई की बात कर रहे थे, निश्चित रूप से ये आपके कार्यकाल में अगर 83,000-86,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय था, आज वो आय बढ़ के 1,85,000 रुपए हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर वस्तुओं के रेट बढ़ रही है तो हमें उनका मेहनताना भी मिल रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आगे भी हम चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश को जिस प्रकार से अशांत प्रदेश बना के कांग्रेस रखी है, चारों तरफ हम देखते हैं कि ये तुष्टिकरण की राजनीति के लिए। चलिए मुद्दे काफी है और फिर से आऊंगी लक्ष्मी जी आपके समक्ष। बहरहाल वंदना जी, खास तौर पर शराबबंदी का हमने जिक्र किया, लक्ष्मी जी ने भी आरोप लगाया, सवाल यही उठ रहे हैं कि आप लोगों ने घोषणाएं की, बातें हुई, इम्प्लीमेंट होना था हुआ नहीं, इस बार शराबबंदी का जिक्र होना था घोषणा पत्र में लेकिन उसका नामो निशान तक नहीं। देखिए आकांक्षा जी, शराबबंदी को लेकर के कांग्रेस सरकार की नियत और नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। हमारी मंशा थी कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो और इस शराबबंदी को लेकर के हमने बहुत सारे काम किए हैं, जिसके कारण आप देखेंगे कि शराब दुकानों की जैसे 100 दुकानें बंद की हैं। आज सिर्फ हम शराब की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर जो सूखा नशा है हम सूखा नशा को बंद करने की भी बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम चाहे समिति की सदस्य के गठन की बात करें, चाहे विभिन्न सेवा संस्था हो, एनजीओ के माध्यम से, लगातार स्कूल में सेमिनार के माध्यम से, यहाँ पर हम जन जातना योजना हम अपना रहे हैं। और रही बात शराबबंदी के बारे में, यहाँ पर लक्ष्मी दीदी ने पहले भी बोली, तो आप लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं भाई? आप लोगों को झूठ बोलने की क्या डिग्री मिली हुई है? आप लोग बोलते हैं कि गंगा जल की कसम लेकर के शराबबंदी की बात किए, जबकि हम इसको यहाँ पर जाकर के हम इसको स्पष्ट कर चुके हैं, हमने गंगा जल की कसम तो खाई थी लेकिन किसानों की ऋण माफ के लिए कसम खाई थी। आप लोग गंगा माता का बार बार अपमान क्यों करते हैं? और दूसरी बात, शराबबंदी की बात करने का आपको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं होता, क्योंकि 15 साल में आपकी सरकार थी, आपने सारे काम छोड़ करके शराब नीति में परिवर्तन करके आपने शराब बेचना चालू कर दिया। वो तो हमारी मनियत और नीति साफ है कि हम शराबबंदी चाहते हैं और आने वाले समय में भी हमारी सरकार बनती है तो इस काम को आगे लेकर काम। चलिए, शराबबंदी चाहते हैं पर हो नहीं रहा है, इसी पर सवाल उठ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार जी है हमारे साथ, समझ लेते हैं। अनिरुद्ध जी, तमाम मुद्दों का जिक्र होता है, घोषणा पत्र में आते हैं, वादे हो जाते हैं लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते, फिर सवाल उठते हैं, फिर घोषणा पत्र आता है, फिर वादे होते हैं, फिर वो वहीं का वहीं, ये सिर्फ सिलसिला होता है घोषणा पत्र में आने का और जाने का। देखिए आकांक्षा जी, आपने घोषणा पत्र की बात की, घोषणा पत्र कई सारे घोषणा पत्र मैंने देखे, लेकिन वाकई में जो 2018 के चुनाव का जो घोषणा पत्र था, कांग्रेस ने किसानों की कर्ज मुक्त करने का वादा किया था, तो वहां से जो है एक शुरुआत हुई कि मतलब यह है कि घोषणा पत्र की कोई वैल्यू है, और घोषणा पत्र की जनमानस में बहुत सारी चर्चाएं होने लगी। और जो आपने कहा कि घोषणाएं हो जाती हैं, क्या वादे पूरे होते हैं, कांग्रेस की तरफ से दावा होता है, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने 98% अपने जो है वादे पूरे कर दिए, लेकिन जहां तक के जो अभी मैं सुन रहा था शराबबंदी की बात, तो वास्तव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी का जो है वादा तो था, लेकिन साथ में ये लाइन जुड़ी थी कि जहां पेशा कानून लागू है वहां पे मतलब जो है वहां पे ये चीज लागू नहीं होगी। आदिवासी क्षेत्र जहां पे होते हैं तो वहां पे उनके अपने नियम होते हैं, तो निश्चित रूप से एक तरफा निर्णय लेकर वहां पे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि शराबबंदी का जब ये एजेंडा 2018 में ला रहे होंगे तो मैं नहीं समझता कि पूर्ण सहमति जो घोषणा पत्र जो तैयार कर रहे होंगे उसमें लोगों की रही होगी, शायद उसमें मत बटे रहे हों, क्योंकि ये बहुत गंभीर और बहुत नाजुक मुद्दा है। मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि शराबबंदी वाला जो है ये जो है मुद्दा, ये लाइन जो है घोषणा पत्र में आनी ही नहीं चाहिए थी,
और आप मेरी यह भी व्यक्तिगत राय है कि पूर्ण शराबबंदी नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में, गुजरात में और बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन वहां पे स्मगलिंग होती है शराब की। पड़ोसी राज्यों से शराब आती है और गुजरात में आकर के आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तो वहां पे जो है जहरीली शराब पी के वहां पे लोग मरे। जहरीली शराब मतलब नकली शराब, अगर के वह नकली शराब अगर कहीं बन रही है उसको लोग पीकर मर रहे हैं, इतने नियंत्रण के बाद, प्रतिबंध के बाद, तो फिर आप सोच लीजिए कि उसका हस्र ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी लिमिटेशन मतलब आप ये है कि शहर में जो है शहर से दूर रखिए, बहुत दूरियों पे रखें, एक एक शहर में बहुत ज्यादा ना रखें, उसका एक कोई मापदंड निर्धारित हो। चलिए, मुद्दे कई महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उसमें चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि महिलाओं का पैनल हमारे साथ राजनीतिक दलों से है, तो एक मुद्दा आप लोग के समक्ष यही उठाना चाहूंगी। भाजपा ने घोषणा की कि हमारी सरकार आती है हम महिलाओं को 12,000 दे देंगे, ठीक है, और कांग्रेस कह देती है इसके बाद कि हम 15,000 देंगे, महिलाओं को सीधे तौर पर साधने की कोशिश। चलो, महिला पैनल है, चूंकि अन्य पैनल भी है हमारे साथ, इसलिए ये सवाल आप लोगों से जरूरी भी हो जाता है। संक्षिप्त में जवाब उम्मीद रहेगी, केवल महिलाओं को साधने के लिए 12,000 राशि दे देना? देखिए, महिलाओं को साधने के लिए ही नहीं दे रहे हैं, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसलिए हमने तय किया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक मजबूती देना उनको आवश्यक है। और कहीं ना कहीं डर के कांग्रेस ने फिर निर्णय लिया है, तो इससे लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उससे कांग्रेस डर गई है। दूसरी बात, मैं आकांक्षा जी जवाब देना चाहती हूँ कि बिल्कुल शराबबंदी के लिए कांग्रेस ने कदम उठाया, 3 कमेटी बनाई, जिनका जवाब नहीं आया। महिलाओं को ठगा, ये इसका कोई जवाब नहीं है। और 800 सरकारी दुकान में इन्होंने अवैध शराब बेच करके 2,000 करोड़ का शराब घोटाला। महिलाओं इसलिए महिलाओं के मुद्दे मैं कह रही हूँ, हम महिलाओं को बिल्कुल सशक्त करना चाहते हैं, और इसलिए महिलाओं को 12,000 रुपए जो देने की बात हमने मोदी गारंटी के रूप में दिया, और छत्तीसगढ़ की महिलाएं जानती है कि कांग्रेस का ये थोथा घोषणा पत्र है, ये करने वाले नहीं है। गंगा जल को हाथ में लेके कसम खा, लेकिन घोषणा पूरा नहीं हुआ। और ये गंगा जल हाथ में लेकर के कसम खाते हैं, घोषणाएं पूरी नहीं होती, लेकिन एक घोषणा क्या कहे हम, आप लोग लगातार नकल की बात कह रहे थे, ये भी तो नकल हो गया फिर, 12,000 की जगह 15,000। देखिए, यदि आप जन घोषणा पत्र की बात करते हैं तो नकल करने के काम भारतीय जनता पार्टी के नेता किए हैं। 15 साल में कभी आप इसकी घोषणाओं का इस तरह से देखे कि किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे महिलाओं की बात के कभी किया क्या? नहीं किए। लेकिन जब देखे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए यहाँ पर काम कर रही है, तो बिना मेहनत के इन लोग कॉपी पेस्ट कर लिए। और सबसे बड़ी बात, यदि महिलाओं की बात करते हैं, तो जब से कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस पार्टी है, हमेशा हमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किए, आत्मशक्ति उनका आगे बढ़ाने का काम किया, आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम किए। हमारी सरकार पिछले समय 13,000 करोड़ कर्ज माफ, स्वयं सहायता समूह के कर्ज माफ किए हैं। और रही बात मोदी की गारंटी बोलता है, लेकिन मोदी की गारंटी कौन लेगा? यहाँ पर जनता क्यों विश्वास करेगी? यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह की बात नहीं कर सकते, स्थानीय नेता की बात नहीं कर सकते, जब देखते हो मोदी, तो मोदी जी क्या प्रधानमंत्री पद पर छोड़ करके आकर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्यों मोदी की गारंटी, स्थानीय नेता की गारंटी क्यों नहीं? क्योंकि इन लोग जुमलेबाजी करते हैं, इनको मालूम है कि हम जुमलेबाजी करके दिल्ली में बैठ जाएंगे, जनता यहाँ पर झुंझुना पकड़ी रहेगी। और चलिए, गारंटी नहीं है मोदी की। देखिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं, और निश्चित रूप से अगर हम उनमें मोदी जी की गारंटी लिखे तो इन्हें क्या तकलीफ होता है, इन्होंने सारी योजनाएं। चलिए, गारंटी वो दे रहे हैं, तकलीफ आपको क्यों है? गारंटी वो दे रही है आपको, 2014 के दिन सिर्फ जुमलेबाजी है, मीडिया में बैठ करके झूठ परोसना है महिलाओं के लिए। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दिल्ली में पहलवान बेटी अपने हक के लिए अभी अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है, ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई हुआ क्या? नहीं हुआ। ये लोग अपराधी को बचाने के लिए डंडा लेकर के निकलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, अपराधी को बचाओ। और बेटियों के लिए आप देखेंगे कि बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, बेटियों के साथ क्या किया भारतीय जनता पार्टी के नेता? यदि अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ के अपराधी जेल में बंद थे,
गैंग वहाँ पर गैंग उसमें हुआ था, तो लेकिन उसका क्या हुआ? अपराधी को काफी मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन मुद्दों को हमने जानने और समझने की कोशिश की है। चूंकि गारंटी और भरोसे का जिक्र हो रहा है, तो अंतिम तौर पर एक छोटा सा जवाब अनिरुद्ध जी, गारंटी की जीत होगी, भरोसे की जीत होगी, ये कहना अभी संभव है? देखिए क्या है कि गारंटी मतलब मोदी जी और भरोसा मतलब भूपेश जी, दो बड़े चेहरे, एक देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और दूसरा बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वर्तमान में आप देखें तो कांग्रेस की सरकार है, तो निश्चित रूप से जिस पार्टी की सरकार जिस प्रदेश में होती है वहां अपना उसका वजन होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं बचपन से कई चुनाव देखते रहा आकांक्षा जी, लेकिन मैं पहली बार देख पा रहा हूं कि कोई प्रधानमंत्री किसी स्टेट पे इतने दौरे कर रहा है, इतनी बार आ रहा है, इतनी सभाएं ले रहा है। नहीं तो किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री की दो बहुत हो गई तो तीन सभाएं होती थी, लेकिन यहाँ पे मोदी जी की चुनावी सभाओं का छत्तीसगढ़ में सिलसिला चल रहा है। तो ये है कि मुझे जहां तक के समझ में आ रहा है कि दोनों बड़े नेता, एक हमारे राष्ट्रीय नेता है, सम्मानित नेता है मोदी जी, और दूसरी बात भूपेश बघेल जी, चाहे कुछ भी कहे हम, मुख्यमंत्री रहते हुए एक राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। तो मतलब गारंटी और भरोसा, दो राष्ट्रीय शहरों के बीच में इस चुनाव में जबरदस्त टकराव है। अब आने वाला ये समय बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल, तो ऊंट किस करवट बैठता है ये समय बताएगा, लेकिन भरोसा या गारंटी ये अभी कहना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, वो गारंटी देकर के जा रहे हैं, भरोसा कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार का, भूपेश बघेल का। तो ये अब जानना और हमें समझना है कि भरोसा जीतेगा या गारंटी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो जनता है, ये जनता ये जरूर समझाने की अपनी कोशिश करेगी कि हम मुद्दों की बात करेंगे, उन मुद्दों की जो हमारे लिए सही है, जो प्रदेश की जनता और प्रदेश के भविष्य के लिए सही है। और ऐसा ही एक और पैनल है, उस पैनल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मैनेजिंग एडिटर जी आर के गांधी जी, अब मैं माइक उन्हें सौंपना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा, और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा।